सबसे पहले बात करेंगे परिवारवाद को लेकर, आखिर ये सियासत क्यों हो रही है। देश में परिवारवाद को लेकर सियासत फिर से तेज नजर आ रही है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में कहा कि परिवारवाद पार्टियों ने नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ाया, नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा ये तो हमने आपको बताया। सरकारी नौकरी की बात आती थी तो पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और कहा कि परिवारवाद की बात बीजेपी ना करे, गिना दूं तो दर्जनों निकल जाएंगे। भूपेश बघेल ने देखिए फहरिस्त में गिनाई है कि राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में हैं, तो वही रमन सिंह का बेटा अभिषेक सांसद है। उन्होंने कहा कि उंगली उठाने से पहले सोच जरूर लेना चाहिए। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। देखिए नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक, अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई, तो ये किसकी पार्टी हुई? बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है, गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। चलिए सियासत तो तेज हो रही है परिवारवाद को लेकर, इसी पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, अभी तक अगर देखा जाए परिवारवाद पर जो पॉलिटिक्स हम देखते थे, अंतर यह है कि अब तक कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते थे, लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर करारा जवाब दिया है, एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बता दी है परिवारवाद को लेकर। देखिए बिल्कुल शुरू से ही कांग्रेस पर ये आरोप लगते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार चला रहा है और वो गांधी परिवार। लगातार परिवारवाद की बात को लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस पर निशाना साधती है, लेकिन आज ठीक उल्टा जो है सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर मैं गिनाऊंगा तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, एक दर्जन से ज्यादा नाम निकल जाएंगे। और उन्होंने नाम भी गिनाया, उन्होंने सबसे पहले अनुराग ठाकुर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री मंत्री के पद में रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे विधायक है, अमित शाह के बेटे जो है बीसीसीआई में है, रमन सिंह के जब मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सांसद, तो ऐसे बहुत से नाम भूपेश बघेल ने गिनाए। और भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना था कि पहले कुछ बोलने से पहले अपने पार्टी को देख देना चाहिए कि उनकी पार्टी में अब क्या हो रहा है। परिवारवाद को लेकर बयानबाजी ये पहली बार नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने आज करारा जवाब देते हुए कई नाम गिनाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे नेता है जिनके जो पुत्र है वो राजनीति में कदम रखे और आज विधायक है, और पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बार फिर से आज कांग्रेस को निशाना साधा था, उसी पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आज करारा जवाब देते हुए बीजेपी के में किस तरह की परिवारवाद अब हावी हो गया है और किस तरह से बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद चल पड़ा है, इसको सामने लाने का काम सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयानों से किया है। बिल्कुल, तो बयान में उन्होंने यहाँ पर देखिए करारा जवाब दिया है। कुलेश्वर देखिए एक बात, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है, देखिए चुनाव नजदीक है तो क्या ऐसे में मुद्दे तलाशने की कोशिश की जा रही है? छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें पहले हिंदुत्व का मुद्दा आता है, फिर धर्मांतरण का आता है, उसके बाद धान खरीदी और अब परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पर। कुलेश्वर दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सभी मुद्दे छीन लिए हैं, राम का मुद्दा छीन लिया, गाय का मुद्दा छीन लिया, धान का मुद्दा छीन गया, सभी मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में छीनती हुई नजर आ रही, तो बीजेपी के पास ऐसे में कोई मुद्दा बचा नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस बार बार ये बात को दोहराती है, तो निश्चित तौर पर किसी मुद्दे पे तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनावी साल है, 5 महीने से कम वक्त बचा है, अब वो जो तीखे बयान है वो निश्चित तौर पर आने शुरू होंगे, इसलिए परिवारवाद की बात यहाँ भी
की जा रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव आप बने रही हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, इसी परिवारवाद की पॉलिटिक्स पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से अमित चिमरानी जी हमारे साथ जुड़े, तो वही कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बीजेपी का रुख करना चाहूंगी। अमित जी, देखिए अभी तक आप लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, परिवारवाद को लेकर गिनती आप लोग गिनाते थे, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने तो यहाँ पर लंबी फहरिस्त बता दी, अब इस पर आप क्या कहेंगे अमित जी? कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद के गांधी खानदान से अलग कितने दावेदार हुए और कितने बने, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कितना परिश्रम करना पड़ा, और आज भी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या इज्जत है कि वो खड़े रहते हैं, सोनिया गांधी जी बैठी रहती हैं। छाता होता है तो वो सोनिया गांधी जी को मिलता है और वो धूप में खड़े रहते हैं। तो परिवारवाद की बात कांग्रेस भाजपा को न बताए, ये गांधी परिवार की चरण वंदना से कभी नहीं निकल पाएंगे और ना ही उनके आदेश की अवहेलना कर पाएंगे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, ये लोग कह के गए हैं कि एक परिवार की चलने लगी है पार्टी में और शुरू से चल रही है, इसलिए हम घुटन महसूस करते हैं। तो कांग्रेस पहले अपने उन नेताओं को समझाए, उसके बाद बीजेपी पर टिप्पणी करे। धनंजय जी, अमित जी को आपने सुना, क्या आप लोग चरण वंदना करते हैं क्या? देखिए उन्होंने कई उदाहरण भी आपको बता दिए। देखिए निश्चित तौर पर हमें गांधी परिवार के चरण वंदना करने में गौरव महसूस होता है, क्योंकि ये वो गांधी परिवार है जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिसकी हत्या इस देश में हुई है, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बताएंगे जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और एक दान की डायरी जब्त होता है छत्तीसगढ़ करोड़ घोटाले में, उसके परिवार जनों का उल्लेख है। पनामा पेपर्स मामले में देख लीजिए अभिषेक सिंह कौन है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो अपने परिवार को परिवार मानने से इंकार करती है, जो अपने परिवार के विषय में झूठ बोलती है, क्या वो देश के परिवार की चिंता करेगी? और राजनाथ सिंह जी के पुत्र, अभी गोपीनाथ मुंडे जी के पुत्र, रमन सिंह जी के पुत्र, अमित शाह जी के पुत्र, हो सकता भारतीय जनता पार्टी इनको इन नेताओं का परिवार नहीं मानता हो, अलग विषय होगा, क्योंकि अच्छा। इनके पास तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी सामने आती है तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचता। मुझे तो गर्व होता है, मैं गांधी परिवार के चरण वंदना करता हूँ जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इनके पास तो ऐसा एक उदाहरण है क्या? और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाकर सेवा करता है, देखिए जिसको आप कह रहे हैं कि चरण वंदना करते हैं, लेकिन धनंजय जी कह रहे हैं कि वो चरण वंदना नहीं, उसे वो गौरव समझते हैं। खैर, परिवारवाद पर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी हमने देखी, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं, अब इस पर ये पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा गर्माती है ये चुनाव आते तक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।